हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 2.5 के चार क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन ने दिया है गुणनखंड कीजिए। इक्वेशन देखते हैं, इसमें 4x2 + 9y2 + 16z2 + 12xy - 24yz - 16xz। अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो देखो यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x2 2 × 2 = 4x2 बनेगी, प्लस इसको लिख सकते हैं 3y2 3 × 3 = 9y2 बनेगी, फिर प्लस 4z2 4 × 4 = 16z × z, फिर प्लस इस प्रकार से फॉर्मूला आता है हमारा x + y + z2 = x2 + y2 + z2 + 2xy + 2yz + 2xz। ये फॉर्मूला आता है हमारा। तो यहां पर x2 y2 z2 2xy, तो 2 × x की वैल्यू यहां पर कितनी है 2x, × y की वैल्यू कितनी है 3y, फिर यहां पर फॉर्मूले में प्लस ये होता है 2yz, तो 2 × 2 × 2 = 4 × 3 = 12 + 2 + 3 = 2 × yz, y की वैल्यू 3y × z की वैल्यू 4z। अब देखो यहां पर है माइनस, यहां पर इस हिसाब से 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24 तो बन गया लेकिन माइनस नहीं आ रहा। अगर हम y वाले मान में माइनस लगा दें तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, लेकिन ये किसका है, प्लस का। तो यहां पर किसकी वैल्यू पर माइनस आ जाएगा, z की वैल्यू पर। इसका अर्थ है z की वैल्यू कितनी है, -4z2 क्योंकि -4z × -4z करेंगे तो -×-+ 4 × 4 = 16z × z² इस प्रकार से बनेगी। फिर प्लस 2x की वैल्यू 2x × z की वैल्यू कितनी है, -4। ये चीज समझिए, प्लस माइनस किस प्रकार से देखोगे, ठीक है। यहां देख लिया ये x और y, यहां पे ये पूरी वैल्यू प्लस की है तो ये प्लस ही बन रही है, लेकिन यहां पर वैल्यू माइनस की है। अगर इसको माइनस का करें तो यहां भी ये माइनस का करना पड़ेगा, और यहां ये माइनस का हो गया तो ये पूरा का पूरा माइनस का होगा, लेकिन यहां पर क्या है, ये प्लस। तो माइनस की कौन सी संख्या होगी, 4z होगी। अब फॉर्मूला बन गया इसमें x + y + z² तो x की वैल्यू यहां पर कितनी है 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है 3y प्लस z की वैल्यू कितनी है -4z और इसकी होल स्क्वायर। यहां इसको क्या लिख सकते हैं, 2x + 3y + -4z की होल स्क्वायर। यहां इसको क्या लिख सकते हैं, 2x + 3y - 4z × 2x + 3y - 4z। इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज आपके पास वापिस आएगी। इसका सेकंड पार्ट इसी प्रकार से खुद करना है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अब क्यूब के रूप में देते हैं हमें और हमें उसको प्रसार करके लिखना। तो देखो यहां पर जैसे फर्स्ट दिया है 2x + 1³, क्या दिया है 2x + 1³, तो इसको प्रसारित रूप में लिखना है। तो देखो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, चूंकि x + y³ = x³ + y³ + 3xy × x + y, तो ये फॉर्मूला लाओगे यहां पर, x की वैल्यू यहां पे कितनी है 2x, y की वैल्यू कितनी है 1, फॉर्मूले में रखते हैं x³, x की वैल्यू कितनी है 2x³, फिर प्लस y³, y की वैल्यू कितनी है 1³ + 3 ×
x की वैल्यू कितनी है 2x into y की वैल्यू कितनी है 1 ब्रैकेट में 2x plus 1 x की जगह 2x दिया है y की जगह 1 इसको सॉल्व करते हैं 2x की होल क्यूब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करें 2 into 2 into 2 2 into 2 4 4 into 2 8 x की क्यूब अब यहां पर 1 की क्यूब है 1 का कितने बार आपस में गुणा कर लें कितना आना है 1 ही आना है 3 2 6x ब्रैकेट में 2x plus 8 तो 8x की क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का गुणा 2x के साथ करेंगे 6 2 12 x into x x की स्क्वायर फिर प्लस 6x का गुणा 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 6x इस प्रकार से इन क्रम को विस्तारित रूप में लिखो इसका सेकंड थर्ड सबमिट करोगे फोर्थ तो देख लेते हैं इसका फिर भी अगर आपका डाउट रहता है इसमें तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं फोर्थ में दिया है x माइनस 2 बाई 3 y की होल क्यूब क्या दिया x माइनस 2 बाई 3 y की होल क्यूब तो देखो यहां पर इसमें फॉर्मूला लगेगा x माइनस y की होल क्यूब क्या होता है x क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस y तो ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे x की क्यूब x की जगह कितना लिया x की है तो x की क्यूब माइनस y की क्यूब y की वैल्यू कितनी है 2 बटे 3y की होल क्यूब माइनस 3 इनटू x की वैल्यू यहां पर कितनी है x ही है y की वैल्यू कितनी है 2 बटे 3y ब्रैकेट में x माइनस y तो x की वैल्यू x माइनस 2 बटे 3y 3 से यहां पर ये 3 कैंसिल x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब यानी 2 का की बात करना है 2 इनटू 2 4 4 इनटू 2 8 बटा 3 की क्यूब करेंगे 3 इनटू 3 9 9 इनटू 3 27 y की क्यूब माइनस 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2 बाई 3 y तो x की क्यूब माइनस 8 बटे 27 y की क्यूब माइनस 2xy का x के साथ गुणा करेंगे माइनस 2xy इनटू x फिर माइनस इनटू माइनस प्लस 2xy इनटू 2 बाई 3 y अब इसको सॉल्व करते हैं तो x की क्यूब माइनस 8 बटे 27 y की क्यूब माइनस x इनटू x x की स्क्वायर 2x स्क्वायर y फिर प्लस 2 इनटू 2 4 अपॉन में 3 x y इनटू y y की स्क्वायर इस प्रकार से इसका आप प्रसार करोगे फिर उसके बाद सातवां क्वेश्चन उपयुक्त सरल समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करो इसमें सरल समीकरण का प्रयोग करना उसने बोल दिया फिर उनका प्रसार करना तो देखो यहां पर मान ज्ञात करने में इनका प्रसार करके सातवें का फर्स्ट जैसे और सरल समीकरण यानी ये दिया इसमें 99 की क्यूब क्या दिया है 99 की क्यूब तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 - 1 की होल 100 में से 1 माइनस करें कितने आएंगे 99 अब यहां पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कौन सा क्योंकि x माइनस y की होल क्यूब इक्वल में x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस y के प्रयोग से बोलता है उसने सरल समीकरण का प्रयोग करना है इसमें x की क्यूब x की जगह कितना लिया 100 तो x की क्यूब माइनस y की क्यूब y की जगह कितना लिया 1 इसकी भी क्यूब माइनस 3 इनटू x की वैल्यू कितनी है 100 इनटू y की वैल्यू कितनी है 1 ब्रैकेट में x माइनस y तो 100 माइनस 1 सॉल्व करते हैं 100 की क्यूब
क्यूब होगी तो दो जीरो है, यहां पर कितनी हो जाएगी 6 माइनस एक की क्यूब है माइनस 3 × 100 ब्रैकेट में 100 − 1 तो ये यहां पर 10 लाख − 1 − 300 का गुणा 100 के साथ करेंगे 30,000 −(−) + 300 का गुणा 1 के साथ कितने होंगे 300 प्लस वाली संख्या अलग जोड़ लेते हैं माइनस वाली संख्या अलग तो प्लस के कितने आ गए यहां पर ये प्लस की संख्या 10 लाख 300 ये हो गए फिर प्लस माइनस कितने हो गए 30,000 10 में से 1 घटाएंगे 9 फिर 9 में से 0 घटाएंगे 9 यहां कितने रहेंगे 2 2 में 0 घटाएंगे 2 फिर यहां पर 0 में 0 घटाएंगे 0 10 में 3 घटाएंगे 7 और यहां कितने रहेंगे 9 तो इसका आंसर क्या आ गया 970 299। इसी प्रकार से आप सातवें का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन स्वयं करोगे सेकंड और थर्ड सेकंड ले लिया है 102 की क्यूब इसको क्या करोगे इसमें 100 प्लस 2 की क्यूब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे x प्लस y की होल क्यूब ठीक है फिर थर्ड में 998 क्यूब है तो 1000 माइनस 2 की होल क्यूब तो ये क्वेश्चन आप स्वयं करोगे अब अपने 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमने जो किया था बहुपद दिया था उसमें हमें उसमें एक त्रुटि मिली थी क्या त्रुटि थी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में उसमें दिया था 2.2 में पॉलीनोमियल x इक्वल 5x माइनस 4x² प्लस 3 ये दिया था उसमें फर्स्ट और सेकेंडरी वैल्यू हमने सही रखी है लेकिन जो थर्ड पॉइंट है x इक्वल 2 रखना था तो हमने यहां पर 4 की जगह क्या दे दिया था 5 4 की जगह क्या दे दिया था 5 इसी कारण से उस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा गलत अगर आपको 5 दिया है तो वो सही है अगर यहां पर 4 दिया है तो आप 4 के हिसाब से करो देखो x बराबर 2 रखने पर तो p2 इक्वल में 5 × 2 − 4 × 2² + 3 5 × 2 = 10 − 4 × 2² = 4 + 3 10 + 3 = 13 − 16 तो ये यहां से कितने आ जाएंगे −3 p2 की वैल्यू कितनी आएगी −3 उस दिन क्या दिया था यहां पर 4 की जगह यहां पे क्या दे दिया था 5 बाकी और भी आपके क्वेश्चन हैं इसमें कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं जो भी डाउट हो आपको क्लियर करवाएंगे बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर